वक्त से पहले, बेमौका। अचानक रोज कितने लोग मरते हैं, 20 साल के नौजवान, 30 साल जवान, 40-50 साल मर्द, हादसे, आरजे, कत्ले अमर तक, बस मर जाते हैं। सभी ने तो मरना है, मगर कौन मरता है इस शान से। 1.5 साल हो गए, कब्र पर फूल खुश्क नहीं हुए, कोई दिन नहीं गुजरा जब कोई फातिहा पढ़ने ना रुका हो। मोहब्बत करने वाले तो एक जानिब, जिन्होंने मारा उन्हें चैन नहीं, खुद अपने हाथों मिट्टी को जिंदा कर देते हैं हर कुछ दिन बाद। कौन मरता है इस शान से। वाह अरशद साहब, कभी कभी लगता है आपका मरना भी जरूरी था। फर्क जो वाजे करना था जिंदगी से मौत का, जो फकत सांस लेने का नाम तो है नहीं, गैरत से जीने का है। पैमाना बदल सके हार और जीत का, कैसे कोई जान गंवा कर भी सुरखरू है, और कोई उसे जेर कर अब रोज मरता है, बोलाया बोलाया फिरता है उन सरों की खोज में कि जो उसका पता दे सके। रोज अपनी दाढ़ी नोचता है, रोज अपना पता आप खोलता है। आपका मरना अशद जरूरी था, ऐसी अटल हकीकतों के राज अफशा करना आप ही को जेब देता था। दाइम आबाद रहे। होता है किसी को कुछ नहीं पता होता कि आप अगला नंबर किसका है, जो आपको जो रात आपकी कब्र में वो कब्र से बाहर नहीं। पाकिस्तानी इंतहाई मेहनती ईमानदार लोग हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान जैसी रिजिलिएंट कौम को कोई भी हथ चंडे कभी भी नहीं दबा सकते।